जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय जशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जशोदनंदन जय जशोदा जीवन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जशोदा जीवन जय ब्रज जन रंजन जय जामुन तिरवन चारी जय कुंज बिहारी जय जामुन तिरवन चारी जय कुंज बिहारी जय जामुन तिरवन जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टवालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः। महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपी सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। वैदिक सिंधुर अनुराग सिंधु वात्सल्य सिंधुरति सांद्र कृपाइक सिंधु लावण्य सिंधुर अमृत छविखेल सिंधु श्री राधिके स्फुर तुमे हृदय खेल सिंधु। वृंदाई तुलसी देवई प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हरि गुरुपाद पद्म नितलीला वर विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री 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 माधु भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला वर विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री 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 माधु भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नितलीला वर विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री 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 माधु भक्ति वेदांत श्री लव नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब गया में गए, जब श्री ईश्वर परिपाद अपना गुरु जी के साथ में उनके साक्षात्कार हुई तो महाप्रभु कहते हैं आज गया आना मेरा सार्थक था हो गया। बोले क्यों? आज श्री गुरुपाद पद्म का हमें दर्शन प्राप्त हुआ है। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कद जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ कब है? तभी लाभ है जब जीवन में हमें अपना गुरु जी का दर्शन प्राप्त हो। ये समझनी चाहिए ये जीवन का ये सबसे श्रेष्ठ दिन हमारे।
इसलिए कहते हैं अगर किसको पूछे भैया तुम्हारी जन्म कब हुआ है, भक्त लोग कहते हैं जन्म तो हमारी तभी हुई जब हमें श्री गुरु जी से ही मिले, तब उसी दिन से ही हमें ये जन्म हुआ। जिस दिन से गुरु जी से हमने हरिनाम दीक्षा मंत्र ग्रहण किया है उसी दिन से ही हमारी जन्म हमारी उसी दिन हुआ है, हैं? इसलिए गुरु जी कहते देखो हम गुरु जी के चरण में इतने ऋण क्यों है, महाप्रभु क्यों कहते हैं आज हमारा जीवन धन्य हो गया, कारण क्या? कारण महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं, गुरु जी कहते थे कि जब श्री भगवान राम आए तभी मैंने किसी ना किसी रूप में उसी दिन भी उसी समय भी आया होगा, जब भगवान कृष्ण आए बोले तभी भी मैंने आया होगा, जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए बोले तभी भी मैंने आया होगा, लेकिन जब छह गोस्वामी आए बोले तभी भी मैंने आया होगा, बोले जब श्री नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आए बोले तभी भी मैंने किसी ना किसी रूप में कीड़े मकोड़े पशु पक्षी किसी ना किसी रूप में मैं जरूर आया होगा, लेकिन इन लोगों ने कोई भी मेरा उद्धार नहीं किया, लेकिन हमारे मेरे ऊपर में अगर कृपा किया तो किसने मेरे ऊपर में कृपा किया? कहते श्री गुरुपाद पद्म ने ही हमारे ऊपर में कृपा की और हमारी चोटी को पकड़ करके भवसागर से इन्होंने ही हमें निकाले हैं। इसलिए हम सबके सब श्री गुरु जी के चरण में हम सबके सब श्री ऋणी हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, बोले श्री ईश्वरपुरी पाद की जय। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, कहते श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में कहते हैं, कहते रूप गोस्वामी कौन है? कहते ये हमारी अभिधेय आचार्य। अभिधेय मतलब क्या? भक्ति जगत में हम कैसे प्रवेश करें वा भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते, जो रास्ता वो श्री अभिधेय है, हैं? इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में कहते हैं भक्ति जगत में प्रवेश करने का सबसे पहला काम क्या है? सर्वप्रथम आदो श्री गुरु पदाश्रय। सर्वप्रथम हमें श्री गुरु जी के चरण में आश्रय ग्रहण करनी चाहिए, इसलिए प्रथमंतु गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धिमाप्नोति जनता निष्फल भवेत्। प्रथमंतु गुरुम पूज्यम, सबसे पहले श्री गुरु जी की पूजा करनी चाहिए, उसको बाद में भगवत आराधना तभी करनी चाहिए, है? इसलिए उसको बाद में क्या है, गुरु पदाश्रय के बाद में फिर कृष्ण दीक्षा शिक्षा आदि शिक्षा प्राप्त है, फिर उसको बाद में पहले विश्रम भेणा गुरु सेवा, उसके बाद में श्री गुरु जी की हमें सेवा करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण ये बात स्वयं सुदामा जी को कहते हैं, जिस समय श्री सुदामा जी द्वारका में आए भगवान स्वयं सुदामा जी को सिंहासन में बैठाए, ठाकुर जी उनके चरण धोए, हैं, धो करके जिसी पलंग के ऊपर में लक्ष्मी को साथ में ठाकुर जी स्वयं विश्राम करते हैं उसी पलंग को ऊपर में सुदामा जी को बैठा करके कृष्ण स्वयं कहते हैं, बोले सुदामा जी तुम्हें याद है? बोले कौन सा बात है, किस चीज के? बोले एक समय गुरु जी हम दोनों को जंगल से लकड़ी बीनने के लिए भेजे, लकड़ी की गठली लेकर के हम दोनों खड़े हुए थे, उस समय घना घोर बारिश आई और ऐसे बारिश आया चारों तरफ में पानी पानी हो गया, पता नहीं चल रहा था कहाँ गड्ढा कहाँ ऊंचा पता नहीं चल रहा था, हम गले तक पानी में लेकर के लकड़ी को सर पर गठरी लेकर खड़े हुए थे। भगवान कौन है? बोले जिनकी इच्छा मात्र से ही पता नहीं कितने विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाते हैं, आज भगवान क्या कर रहे हैं लकड़ी की गठरी को लेकर क्या कर रहे हैं? सर के ऊपर ठाकुर जी खड़े। बोले क्यों? गुरु सेवा, गिली हो जाएगा तो रोसी कैसे ठाकुर जी के लिए बनेगा, इसलिए लकड़ी की गठरी लेकर के खड़े। इतने में गुरु जी ने देखा शाम हो गया, अभी तो कृष्ण सुदामा क्यों नहीं आए, स्वयं गुरु जी लंठन लेकर के उनको ढूंढने के लिए आए। बोले सुदामा कृष्ण कहाँ हो?
गुरु जी हम यहाँ पर, बोले क्या कर रहे हो, बोले हम पता नहीं चल रहा है गड्ढा कहाँ पर और इसे ऊंचा कहाँ पर है, यहाँ पानी पानी गुरु जी, और लकड़ी की गठली लेकर के सर पर खड़े है ठाकुर जी। बस श्री शांति बनी ऋषि देख करके इतने प्रसन्न इतने खुश हो गए, दोनों के सर पर हाथ रखे, बोले जाओ तुम्हारी हृदय में सारे वेद वेदांत उपनिषद सब तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति हो जाएगी, सबके सब स्फूर्ति हो जाएगी और दुनिया में तुम्हारी नाम चिर अमर बनेगा। इसलिए अभी देखो दोनों का नाम अभी भागवत में दोनों का कथा आती है, सुदामा कृष्ण की कथा अभी भी आती है। इसलिए यहाँ पर कृष्ण सुदामा जी को कहते, बोले सुदामा जी कहते ना अहम इज्जा प्रजाति तपस उपसमन्य वा तुस्य अहम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रु सयाजथा, बोले मैं गुरु जी की सेवा से जितने संतुष्ट होता हूँ न तत् कथे इतने पूजा पाठ व्रत नियम के द्वारा उतना मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ है। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, बोले विश्रम है न गुरु सेवा, विश्रम भता पूर्वक है गुरु जी की सेवा करनी चाहिए, बोले साधु वर्तमान बर्तन बर्तनम, उसको बाद में क्या करनी चाहिए, बोले साधुओं का जो अनुकूल वस्तु है, हैं हमें जैसे 32 तरह का अपराध, 10 तरह का नामापराध, सेवा अपराध, 10 तरह का नामापराध, भक्ति मार्ग में कैसे हमें चलनी चाहिए, भक्ति मार्ग में, अरे भक्ति मार्ग में हमें सही सही रूप में चलनी चाहिए। इसलिए तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम साप्त परिच निष्णातम ब्रह्म निप समाज, इसलिए तस्मात गुरुम प्रपद्येत, इसलिए क्या करनी चाहिए, अगर ये माया से कोई निकलना चाहते हैं तस्मात गुरुम प्रपद्येत, गुरु जी के चरण में हमें शरणागत होकर के उनकी सेवा करते हुए हमें भगवत भक्ति मार्ग में चलनी चाहिए। इसलिए कदि यहाँ पर कह रहे हैं, बोले अश्रौ तो श्रौ को विचार युक्त गृहवत गुरु गुरु बलिया ग्रहण कर ले कोटि कोटि काले वो उधार हवे ना। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जगत में ऐसे को जो गुरु है जो शुद्ध परंपरा में नहीं है, है? जिनका कोई गुरु परंपरा एवं परंपरा प्राप्त है, इसलिए कृष्ण है ते चतुर्मुख है कृष्ण सेवन मुख ब्रह्मा है ते नारद मध्य। कुछ दिन पहले एक श्लोक याद किया ना, हाँ ब्रह्मा देवानाम प्रथम स्वयंभुव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता स ब्रह्म विद्या अर्थ पुत्र अथर्वाय पुत्राय प्राह। इसलिए इसलिए कहते ब्रह्मा क्या क्या भगवान सर्वप्रथम है, कहते सर्वप्रथम भगवान ये दिव्य ज्ञान किसको प्रदान किया, बोले ज्ञानम में परम गुह्यम जत विज्ञान समन्वितम स रहस्यंच तदगंच गृहाणाम गदितमय। सर्वप्रथम ब्रह्म विद्या भगवान स्वयं श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किए, फिर ब्रह्मा जी किसको प्रदान किया है, फिर श्री नारद जी को प्रदान किया, अथर्व को उन्होंने कभी प्रदान किया है, है? इसलिए ये जो ये ब्रह्म विद्या ये भगवान से होते हुए गुरु परंपरा में ये धीरे 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 ये गुरु परंपरा में आ रहा है। इसलिए बोले संप्रदाय विहीन आज मंत्रा स्तेह विफला मता अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदाय। इसलिए नियम है जिनको भगवान की भक्ति करना चाहिए ऐसे नहीं गुरु ग्रहण करनी चाहिए जहां तहां गुरु ग्रहण कर लिया, बोले नहीं शास्त्र कहता है गुरु ग्रहण कहाँ से करनी चाहिए, वैष्णव संप्रदाय में ही गुरु ग्रहण करनी चाहिए, है गुरु ग्रहण करनी चाहिए। अगर हमने अगर भूल से हमें पता नहीं था लेकिन बगैर संप्रदाय से अगर कहीं गुरु ग्रहण कर लिया, शास्त्र में जैसे बताया गुरु त्याग करना ये सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा पाप नहीं, लेकिन शास्त्र में गुरु त्याग का बात भी बताया, बोले कब बताया, कौन सा श्लोक बताया, उत्पत प्रतिवर्ण से परित्याग और कहाँ क्या बताएं। अगर हमें शुद्ध परंपरा में नहीं आए कोई अवैष्णव से अगर हमने मंत्र पहले ग्रहण कर लिया, जब जगत में जितने बड़े बड़े सब बाबा लोगों का नाम देखोगे ना सबके सब ये सबके सब वैष्णव परंपरा सबके सब बाहर सबके सब
कितने सब जेल में बैठे बाबा है ना, सबके सब ये वैष्णव परंपरा से सबके सब ये बहिर्भूत है, ये वैष्णव परंपरा में कोई है नहीं, सबके सब है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं अगर अश्रौत परंपरा जो सचमुच से शुद्ध परंपरा में नहीं और किया बोले श्रौत को विचार युक्त है, जैसे बंगाल में जाओगे सब चीज देखने को मिलेगा। हम क्या है, नित्यानंद परिवार के, हम अद्वैत परिवार के, हम अमुक परिवार के हैं, हैं? ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं। नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु से कोई मतलब नहीं है, इनकी कोई मतलब नहीं है, कोई सदाचार संपन्न नहीं है, इसलिए सबके सब मांस मछली खाने वाले। लेकिन अभिमान क्या करते हैं, हम अद्वैत परिवार के। लेकिन अद्वैत परिवार में उनका अद्वैत प्रभु ने केवल एक पुत्र को स्वीकार किया, अच्युतानंद को उन्होंने स्वीकार किया, और किसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनको कोई वंश है ही नहीं, शादी नहीं किया। इसलिए पुत्र होने पर भी है, कहते पुत्र होने पर भी अगर उनकी धारा को, वैष्णव धारा को अगर सही सही अपना जीवन में नहीं उतारा तो वो संतान है नहीं, वो पुत्र नहीं, वो मूत्र है। पुत्र नहीं, वो कौन है, कहते मूत्र है वो है। इसलिए बंगाल में ये बहुत है, कुछ कुछ ऐसे सहजिया लोग है ना जगत में, ऐसे कुछ सहजिया लोग है, वो लोग क्या करते हैं, हैं? मैंने राधा कुंड में देखा है कुछ लोगों को क्या कर रहे हैं, वो ये कौन है, बोले नित्यानंद परिवार के, और ये अद्वैत परिवार के हैं, अद्वैत परिवार नित्यानंद परिवार, हाँ ये सही है, ये सही व्यक्ति, इनकी परंपरा में ये आया है, लेकिन इनके अंदर में कोई। इसलिए प्रभुपाद ने एक सुंदर स्टोरी सुनाई, उपदेश उपाख्यान में बहुत अच्छा स्टोरी सुनाया, बोले एक समय क्या हुआ, एक गांव था, गांव में ऐसे परंपरा है, कोई शास्त्र फास्त्र से कोई जिनका मतलब नहीं है, और सबके सब वैष्णव सदाचार विहीन लोग हैं, लेकिन उसी गांव में एक शुद्ध वैष्णव रहता था। लेकिन शुद्ध वैष्णव ने देखा ये लोग तो कोई भी, ये शुद्ध वैष्णव परंपरा में कोई नहीं है, लेकिन अपने आप को क्या अभिमान करते, अरे हमारे जो पूर्वज लोग है ना इनकी परंपरा में आए हैं, हमारे अंदर में उनकी रक्त, उनकी शरीर, हमारे शरीर में उनकी रक्त प्रवाहित तो हो रहा है, कोई शास्त्र ग्रंथ से कोई परिचित नहीं, अपने आप को अभिमान करते हैं, पंडित अभिमान करते हैं, वंश लेकिन खाते हैं मांस मछली सब खाते हैं और बड़े अभिमान करते हैं। लेकिन वो वैष्णव ने देखा अभी सचमुच से कोई एक शुद्ध वैष्णव को लाया जाए, ला कर इनको साथ में उनकी तर्क वितर्क हो, शास्त्रार्थ हो, इनके अंदर में शास्त्रार्थ हो, फिर इनको परास्त करवाना चाहता हूँ। उनने एक शुद्ध वैष्णव को बुलाया गांव में, हैं शुद्ध वैष्णव को, बोले यहाँ पर आज मीटिंग होगी, हैं एक तरफ में ये वैष्णव आएंगे और लोग तुम लोग जितने सब श्रव को परिवार के हैं, इनकी परिवार पंडित एक तरफ में, जब इतने में आए, इतने में जो सचमुच से जो वैष्णव जो पंडित गया था उनने प्रश्न किया, बोले कस्त्वम, मतलब तुम कौन हो, संस्कृत में पूछा, लेकिन वो तो संस्कृत में कुछ जानते नहीं, बोले कस्त्वम, खस्त्वम, गस्त्वम, जस्त्वम, तस्त्वम, हाँ जस्त्वम करके हाख्यस्त्वम तुम बोल दी। जब यही से बोले, इतने में जो ये जो शुद्ध वैष्णव गया था ना पंडित, बोले ये कौन सा मूर्खों के पास में आ गया, ये सबके सब बेकूफ, ये सबके सब मूर्ख है, इनको साथ में बात करना मतलब है अपने आप को लज्जित करना, ये तो कुछ नहीं जानते हैं, हैं? ये तो कुछ भी नहीं जानते। फिर वहां चले, उन्होंने कहा देखा हरा दिया उनको, भाग गए ना वो भाग गए। इसलिए यह प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे जो व्यक्ति जो अपना जो अभिमान करते हैं, हम इनका परिवार की, इनकी परिवार की, इनकी परिवार में, भैया इसकी चक्कर में नहीं पड़नी चाहिए। उदाहरण देते हैं, जैसे हमारे पिता डॉक्टर थे, अगर हमने डॉक्टरेट अगर हम नहीं करेंगे, क्या हम डॉक्टर का बच्चा होने पर भी हमें कोई डॉक्टर बोलेगा, नहीं बोलेगा। हमारे पिता इंजीनियर थे, हम उनका बेटा बने, मूर्ख है, हैं? अगर पिताजी इंजीनियर थे कि बेटा का इंजीनियर होगा तो उसको बोलेगा इंजीनियर, नहीं बोलेगा। कहते उसी तरह ये जो श्रौक परिवार है, जो जात गोस्वामी जो परिवार, जो गोस्वामी परिवार अपना अपनी कहते हैं, इसको कोई गोस्वामी गोस्वामी नहीं है,
ये सब कैसे गो दास है। गोस्वामी मतलब क्या है? गो मतलब होता है इंद्रियां, स्वामी मतलब जो इंद्रियों का जो स्वामी है। लेकिन ये कोई भी इंद्रियों को दमन नहीं किया, मांस मछली सब खाते हैं और क्या कहते हैं, कोई भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं। हम इनका परिवार, हम इनका परिवार, हम इनका परिवार। प्रभुपाद कहते भैया इसके चक्कर में मत पड़नी चाहिए, इनके चक्कर में मत पड़ा करो। इसलिए ये क्या बोले, ये गृह व्रत और गुरु ब्रुभ है, है? ये सब के सब गृह व्रत और ये सब के सब गुरु ब्रुभ, मूर्ख गुरु है। इसलिए कहते कोटि काल हो, अगर इसी परंपरा में जो कोई फंसे है ना, करोड़ों काल में भी इनका उद्धार होने वाले नहीं। इसलिए महाप्रभु ने यहाँ पर क्या शिक्षा दिया है, महाप्रभु ने यहाँ पर ये शिक्षा दिया, हमें शुद्ध वैष्णव परंपरा में आनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु अपना ईश्वर पुरीपाद को उन्होंने गुरु रूप में ग्रहण किया। और ईश्वर पुरीपाद का गुरु जी कौन थे? श्री माधवेंद्रपुरी हैं। इसलिए माधवेंद्रपुरी, और उन्होंने ईश्वर पुरीपाद ने क्या किया, गुरु जी की सारे सेवा किया। अंतिम समय में गुरुदेव जिस समय अंतिम सज्जा में लेट थे हैं, उस समय उन्होंने विष्टा मूत्र जो विसर्जन करते थे, एकदम गुरु जी को सारे सेवा अपना हाथों से उन्होंने, गुरु जी की उन्होंने साफ साफ सुथरा करना, उनकी गुरु जी की सारे सेवा श्री ईश्वर पुरीपाद की। और कृष्ण विरह में जब हा राधे हा गोविंद, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजन नंदन, जैसे महाप्रभु दिन रात जैसे कृष्ण विरह में रोते थे, ईश्वर पुरीपाद उसी समय में हे मथुरा नाथ है, हैं? इसलिए दिन रात कैसे श्री भगवान की विरह में कैसे दिन रात कैसे रोते थे, लेकिन उनकी भाव के अनुरूप श्री ईश्वर पुरीपाद उनको श्लोक बोल बोल करके श्री माधवेंद्रपुरी की भाव को पुष्ट करते थे, हैं? इसलिए जब उन्होंने गुरु जी की सेवा की, इतने सेवा की गुरु जी की, अंतिम समय में अपना हाथ में सेवा की। इसलिए एक समय श्री हमारे गुरुदेव को जो पर्यटक गोसाई महाराज जो है, कभी उन्होंने प्रश्न किया, बोले गुरुदेव दिखाई पड़ता है अंतिम समय में कुछ वैष्णव लोग कुछ बीमारी पड़ते हैं, कुछ लोगों को दिखाई पड़ता है अंतिम से कोई बीमारी दिखाई पड़ता है, ये गुरुवर्ग के अंदर में ये बीमारी क्यों दिखता है? तब हमारे गुरु जी ने कहा, देखो कभी कभी गुरुवर्ग है ना, कभी ये शिष्यों का कल्याण कैसे होगा, इनका उद्धार कैसे होगा, कभी कभी जानबूझ करके वो अस्वस्थ लीला के अभिनय करते हैं। जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, उन्हें लीला किया पैरालिसिस का, पैरालिसिस उनको हो गया, इतने बड़े साधु उनको पैरालिसिस होता है, लेकिन उस समय में ये तो ब्राह्मण घर के नहीं थे, ये थे क्षत्रिय घर के हैं। अभी इनका बहुत सारे शिष्य थे, जितने ब्राह्मण सब इनकी निंदा करने लग गए, बोले देखा देख लिया है सब फल निकल रहा है, शिष्य बनाए ना, ब्राह्मण है ही नहीं, कायस्थ कुल के होकर शिष्य बनाए, देखो इनका दंड देखो, पैरालिसिस हो गया है, ये पूरा चारों तरफ में इनकी बदनामी बदनामी होने लग गई। उनका जो शिष्य लोग थे उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को बोले, नरोत्तम दास ठाकुर जी आप तो ये लीला अभिनय कर रहे हो, कहा नित्य मंजरी है, देखो ये सब लोग आपकी निंदा करने लग गए, देख रहे हो ये लोग तो निंदा करके उत्तम, ये उत्तम वैष्णव है, इनकी वैष्णव का निंदा करने पर सीधा नरक है, इनके लिए अलग नरक बनता है, एक नहीं इनके लिए एक अलग सबसे है सबसे खतरनाक नरक है, कुंभीबाग नरक में जाना पड़ता है। इसलिए बोले ये लोग तो सीधा नरक जाएंगे, इसलिए गुरु जी लीला को संवरण करो। फिर दूसरे दिन श्री नरोत्तम दास ठाकुर बस सही हो गए, जाकर गांव में चक्कर लगाकर आ गए, गांव में चक्कर लगाकर आ गए, इसको देख करके हैं, इनको देख करके बोले अरे ये तो पैरालिसिस हो गए थे, ये तो पूरा अच्छे तरह से गांव को घूम करके आ गए, ये तो कुछ नहीं है। इसलिए मेरे गुरु जी ने कहा कभी कभी शिष्यों को कल्याण करने के लिए हैं, लास्ट में गुरु वैष्णव कभी कभी ये लीला की अभिनय करते हैं, क्योंकि जब इनकी सेवा नहीं करेंगे इनका कल्याण नहीं, उनको उद्धार नहीं है, इसलिए कभी कभी लीला अभिनय करके सेवा ग्रहण करके उनको मंगल करने के लिए कभी कभी ये लीला को ये अभिनय करते हैं। इसलिए उसी तरह माधवेंद्रपुरी कहां कहते जो महा जो प्रेमांकुर इनको बताया गया, जो महाप्रभु इसी जगत में जो अनर्पित चरिंचिरात
जो प्रेम को देने के लिए आई थी, ब्रज भक्ति को, राधा रानी की निकुंज सेवा को जो देने के लिए आई थी, राधा रानी की पाल्य दासी भाव को जो देने के लिए आए थे, हैं अंतिम समय में बिस्तरा में वो उन्होंने बिस्तरा मूत्र विसर्जन कर रहे थे, लेकिन ईश्वर पूरी बात अपना हाथों में उन्होंने सारे सेवा उन्होंने गुरुजी किया, सारी सेवा उन्होंने किया। इसको देख करके इतने खुश हो गए माधवेंद्रपुरी। इनका और भी एक शिष्य था, जिस समय ये कृष्ण प्रेम में रोते थे, बोले गुरुजी आप तो अभी तो ब्रह्म हो, ये रो रहे हैं क्यों, आप ये क्यों रो रहे हैं क्यों, हैं आप तो गुरुदेव ने उसको भगा दिया उनको वहां से, बोले भाग जा तू यहाँ से, मेरे सामने नहीं आना है इसलिए। लेकिन ओ होला सर्व निंदु कर, वो बड़ा निंदुक बन गया। महाप्रभु बोलता था आपके घर में इतना चिट्टी क्यों है, सन्यासी होकर लगता है कोई मीठा चीज खा रहे हैं तब तो घर में चिट्टी है, हैं? इसलिए महाप्रभु को ऐसे ऐसे बात बोलता था, हैं? इसलिए लेकिन इसे ईश्वरपुरी बात उन्होंने किया कि गुरु जी की सेवा करते हुए उन्होंने सारे प्रेम का जो भंडारा है श्री ईश्वर परिपाद को उन्होंने, माधवेंद्र परिपाद ने उनका सब कुछ देख रहे गए। इसलिए यहाँ श्री प्रभुपाद कहते हैं, कहते महाप्रभु स्वयं उन्होंने शुद्ध वैष्णव परंपरा को उन्होंने ग्रहण किया, ग्रहण करके लोगों को शिक्षा दिया है हमें शुद्ध वैष्णव परंपरा को हमें ग्रहण करनी चाहिए, मंत्र लेनी चाहिए। इसलिए बोले ना गुरु कर जान के और पानी पियो छान के, गुरु ग्रहण करते समय शुद्ध वैष्णव परंपरा से ही हमें अंतर्भुक्त होनी चाहिए। उदाहरण देते हैं, जैसे एक सोने की डिबा है, हैं? एक सोने की डिबा है और एक कोयला का डिबा है, दो डिबे हैं। लेकिन अगर सोने की डिबा अगर मूल जो इंजिन है अगर उसको साथ में जुड़ा हुआ नहीं होना, भले वह सोने की डिबा क्यों नहीं हो, अगर सही मशीन को साथ में, मेन मशीन को साथ में अगर उसको लग जाए ना, बस क्या होगा, कहते वो ट्रेन सही सही अपना अंतिम स्थान पर पहुंच जाएगी, है अंतिम स्थान पर। इसका मतलब है अगर हमने शुद्ध वैष्णव परंपरा को अगर ग्रहण किया है, शुद्ध वैष्णव परंपरा को अगर हमने ग्रहण किया है, कहते भैया भले ही तुम कोयला का डिब्बा क्यों नहीं हो, एक दिन तुम सही जगह पर पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो लाइन है ना वो लाइन तुम्हारी ये शुद्ध लाइन है, ये शुद्ध लाइन। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं भैया, इसलिए हैं, इसलिए शुद्ध वैष्णव परंपरा को ग्रहण करनी चाहिए। और श्री विश्वनाथ चकुर ठाकुर तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, विश्वनाथ चकुर ठाकुर ये कहते हैं, कहते एक आचार्य अभिमान, आचार्य अभिमान मतलब क्या है, आचार्य अभिमान मतलब क्या, मतलब भैया तुम शिष्य किसकी है, अगर कोई बोलेगा हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का आश्रित है, बोले भैया उनका गुरु जी कौन है, बोले श्री गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, बोले उनका गुरु जी कौन है, बोले श्री भक्ति विनोद ठाकुर, बोले उनका गुरु जी कौन है, बोले जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, बोले उनका गुरु जी कौन है, हैं कहते अगर श्री नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास हैं, इसलिए बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चकुर ठाकुर, कहते उनकी परंपरा सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी, और श्री उनको कौन है मूल, श्री चैतन्य महाप्रभु, है चैतन्य महाप्रभु, कहते इसको कहते आचार्य अभिमान। अगर ये अगर अभिमान हो, जान तो हम कौन है, हम साधारण नहीं, हम उनकी बच्चे हैं। अब देखना इसी जगत में सरस्वती प्रभुपाद हम नाती पोते हैं, देखना पिताजी अपना बेटे को जितना प्यार करता है ना, बेटा का बेटे को ज्यादा प्यार करता है कि नहीं, बेटा का बेटे को तो दिन भर लेकर के सारा जीवन अपना बेटा नाती पोतियों को लेकर दिन भर उसी में ही रहता है, हैं? इसलिए यहाँ पर कहते आचार्य अभिमान मतलब है अगर हमारे अंदर में ये अभिमान, इसलिए हम लोग रोज जय देते हैं ना गुरु परंपरा की, जय श्री श्री गुरु गौरांग अंधर्विका गिरधारी श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की, जोर से बोला की इसलिए नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री
श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। इसलिए जो जो जयकार देते हैं ना, ये गुरु परंपरा की हम लोग जय देते हैं, गुरु परंपरा की हम जय देते हैं, हैं? हम इसी परंपरा में, विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कह रहे हैं जैसे तुम्हारी परंपरा में कोई एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर, नहीं तो पूरी में कोई किसके साथ लड़ाई हो गया, लेकिन यहाँ का जो मेन व्यक्ति, यहाँ पर कोई मंत्री तुम्हारे का, तुम्हारे कोई संपर्क में कोई मंत्री है, भले ही तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, अगर उसको बोल तो जानते हो मैं कौन हूँ, ये जो मंत्री है ना हमारे अमुक का अमुक है लगता है, ये हमारी है, बात तो इतना बोल दो ना भाग जाएगा, बोलो भैया इससे पंगा मत लिया करो, ये पंगा मत लिया करो। फिर उसी तरह अगर हम इतना अभिमान हो जाए, अरे हम साधारण थोड़ी, हमारे गुरु जी की वो है महाप्रभु का हम परंपरा में, कहते अगर इतना अभिमान हो जाए तो जीव का उससे ही कल्याण हो जाता है, क्यों हम सही लाइन में, हम लोगों ने सही लाइन में। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं महाप्रभु जो ईश्वर परिपाद को जो ग्रहण किया, क्यों ग्रहण किया है, कारण क्या, बोले कारण है जो उस ईश्वर परिपाद है ये हमारे शुद्ध वैष्णव परंपरा में, और प्रेम का जो अंकुर श्री माधवेंद्रपुरी उसी परंपरा में, वो प्रेम उन्होंने माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी को देख रहे गए, ईश्वरपुरी किसको दिया, श्री महाप्रभु को देख रहे प्रेम में गए। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ये लोगों को शिक्षा देने के लिए श्रीमन महाप्रभु ने ये ईश्वरपुरी पाद को जो मिले, महाप्रभु बोले गया यात्रा, प्रभु बोले गया यात्रा सफल हमार, आज हमने जो गया में आया हूं बस आज हमारी सफल हो गया, आज हमारी गया ना सार्थकता हो गया। इसलिए महाप्रभु गया में पिंड देने के लिए नहीं गए थे, हैं? वो पिंड देने के लिए नहीं गए थे, वो इसलिए गए थे केवल अपना गुरु जी से मिलने के लिए वहां पर गए थे। तब वो कहते हैं बोले कृष्ण पाद पद्मेर अमृत रस पान, हमारे कराओ तुम्ही यही चाहितान। तब श्री चैतन्य महाप्रभु गुरु जी से यहाँ पर शिक्षा देते हैं, गुरु जी से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु जी से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, ये चीज को शिक्षा दे रहे हैं। बोले कृष्ण पाद पद्मेर अमृत रस पान, केवल हमें एक चीज चाहिए, कृष्ण पाद पद्म का चरण में जो अमृत है, अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय, चरण कमले अमिया उछले ताहत नुपुर दाम है। इसलिए भगवान के चरण में अमृत छलकती है, उनके चरण में अमृत छलकती है, उनके चरण में अमृत अशोक अभय अमृत का आधार भगवान के चरण। इसलिए अमार कराओ तुम यही चाहे दान, इसलिए कहते गुरुदेव आप कृपा करके एक ही दान हमें दो, राधा कृष्ण का प्रेम रस में जैसे दिन भर हम उसमें डूबे रहे, उसी रस को जैसे हम पान कर सके, बस अगर यही चीज हो गया ना बस समझो हमारे जीवन सार्थकता हो गया। इसलिए जिस समय ध्रुव महाराज है, जिस समय ध्रुव महाराज वैकुंठ विजय कर रहे थे, वैकुंठ जय जगन्नाथ महाप्रभु की, दाऊ भैया की, कृष्ण कन्हैया की, हाँ इसलिए जिस समय ध्रुव महाराज वैकुंठ जा रहे थे ना रथ में बैठ करके, हे नारद जी बिना लेकर के उछल उछल करके, उन्होंने दो तीन श्लोक में उन्होंने गान किया है महिमा, इसलिए नारद जी बिना बजा करके उछल उछल कर नाच रहे थे। बोले वाह आज हमारे जीवन सार्थकता हो गया, क्यों ऐसे एक चेला बना है, कौन श्री ध्रुव जी, ऐसे एक चेला बना है जो भगवत आराधना करके मैंने जो मंत्र दिया था, मंत्र जब करते करते साक्षात भगवान को उन्होंने वशीभूत कर दिया, भगवत दर्शन प्राप्ति, और भगवान उनको उनके लिए अलग वैकुंठ ठाकुर ने बना दिए हैं। और जब भगवान बोले कुछ बर मांगो, लेकिन उनने आए थे तो विषय वस्तु के लिए, विषय वस्तु के लिए आए थे, लेकिन जब भगवान बोले बर मांगो, बोले प्रभु पहले मैं बेकूप था, इसलिए मैंने ये राज्य लोभ से मैंने आया था, प्रभु कोई अगर कांच के टुकड़े ढूंढते ढूंढते पारस मणि मिल जाए जगत में, इसे कौन सा बेकूप होगा जो कांच के टुकड़े को ग्रहण करेगा, आपका चरण तो देवता ऋषियों के लिए दुर्लभ, इसलिए हमें आपके चरण में भक्ति और संतों की हमें संग प्रदान करो, ऐसे उन्होंने मांगे, लेकिन उनके मन में इच्छा थी, इसलिए कुछ दिन के लिए उनको राज्य भोगना पड़ा, फिर बाद में भगवान उनको अपना
एक अलग वैकुंठ बना दिया, बोले जाओ जब तक दुनिया रहेगा तब तक जगत में तुम्हारी नाम होगा। इसलिए वहां विश्वनाथ सिंह ठाकुर कह रहे हैं, इसलिए गुरुजी सबसे ज्यादा प्रसन्न किस में होते हैं, अगर ऐसे एक शिष्य बने जो भगवत भक्ति करते करते उन्होंने भगवत प्राप्त कर ली, भगवत प्राप्त कर ली, भगवत दर्शन कर ली है, इसलिए गुरुदेव तब भी संतुष्ट होते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, हे गुरुदेव यही कृपा करो जैसे जीवन पा करके हम कृष्ण प्रेम रस को जैसे पान कर सके, हमें इस यही वस्तु प्रदान करो है यही। इसलिए भगवान की भक्ति किया है, कहते ना तब कथा मृतम ताप्त जीवन कभी मेरे श्रावण मंगल श्रीमदा तथा जगत में सबसे बड़े दान वही है जो कृष्ण कथा रूपी अमृत को जो पान कराते हैं। इसलिए भगवान की कथा कैसे अमृत है, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम है कभी भी रीड़ितम कलमसापम, इसलिए श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गृहते भूरी दादन। इसलिए भगवान की कथा क्या है, अमृत है, भगवान की कथा अमृत है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, कृष्ण प्रेम मधुपान कराया शिष्य अविद्याभूत चक्र उन्मिलन कार्य ही विष्णु दीक्षा। इसलिए दीक्षा मतलब क्या है, हाँ कहते हम जो दीक्षा प्राप्त करते दीक्षा का मतलब क्या होता है, बोले दीक्षा का मतलब यही होता है दिव्यम ज्ञानम जत जद्यात कुर्जात पाप संस्कार। इसलिए जो दिव्य ज्ञान दे करके हृदय का सारे पाप हो जिससे दूरीभूत हो जाते, कहते वही असली दीक्षा है, हैं अविद्या को दूर करके हमारे दिव्य चक्षु जो प्रदान करते हैं। इसलिए कहते सजातीय आशय सिद्ध साधु संग सत्वरित। इसलिए हमें कैसे भक्तों का संग करनी चाहिए, भले सजातीय आशय सिद्ध है। इसलिए एक ग्रंथ विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने लिखा, वो ग्रंथ का नाम राग वर्तमा चंद्रिका, अद्भुत ग्रंथ है। हमारे गोस्वामी लोगों ने जो ग्रंथ लिखे ना अद्भुत ग्रंथ लिखे, वहां पर भाव विरोध भाव अविरोध भाव संबंधी भाव साबल्य है, वहां पर इस बात उन्होंने बताई हमें कैसे भक्तों का संग करनी चाहिए, भाव विरोध नहीं भाव अविरोध नहीं, इसलिए ऐसे संग करनी चाहिए सोजातीय। हम जिस परंपरा में आए हैं, महाप्रभु जिस रस को देना चाहते हैं, जिसके अंदर में वह रस विद्यमान है, ऐसे भक्तों का संग करनी चाहिए। हम आए महाप्रभु धारा में, लेकिन ऐसे भक्त का संग कर रहे जो रामानुज संप्रदाय के, जो लक्ष्मी नारायण को पूजा करते हैं, ऐसे संग कर रहे जो सीताराम की उपासना करते हैं, तो फिर क्या होगा है? उसको द्वारा तब तक तुम्हारी भक्ति नष्ट नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी नहीं, भक्ति तुम्हारी बढ़ेगी नहीं। इसलिए भक्ति तभी बढ़ेगी हम जिस चीज को प्राप्त करना चाहते, जिस रस को पाना चाहते हैं, अगर ऐसे भक्तों का संग करें ना। इसलिए एक समय जैसे हमारे श्री गुरुदेव भक्तिवेदन नारायण गोस्वामी महाराज, ये अक्सर करके उन्होंने राधा कृष्ण के रस की कथा, महाप्रभु का जो सर्वश्रेष्ठ अवदान की बात बोलते थे, सर्वश्रेष्ठ अवदान की बात हमारे गुरुदेव बोलते थे, महाप्रभु जो चीज को देने के लिए आए, रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी विश्वनाथ प्रभुपाद जो चीज देने के लिए आए गुरुदेव, वही बात को गुरुदेव बोला करते थे। जीवन का हमारे लक्ष्य क्या है, गुरु जी कहते थे पहले अपना लक्ष्य को स्थिर करो फिर जाकर साधन करो। अगर तुम्हारी लक्ष्य अगर गड़बड़ी है फिर तो तुम्हारे साधन भी गड़बड़ी है। एक व्यक्ति इंजीनियर बनेगा डॉक्टर बनेगा भले 10 साल को बाद में बने, लेकिन पहले लक्ष्य रखता है हमें डॉक्टर बनना है हमें इंजीनियर बनना है। इसलिए हमारे श्री महाराज जी ब्रज रस रसिक भक्त हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं हमें सजातीय आश्रय सिद्ध भक्तों का संग करनी चाहिए, अब विशेष करके हमारे ऊपर में जो दया जुटता है, ऐसे कभी संग होता है ना, हम तो संग कर रहे हैं लेकिन वो हमारे ऊपर में दया जुटता नहीं, हमारे ऊपर में
कृपा युक्त नहीं, दया युक्त नहीं, हमारे ऊपर जो स्नेह करते हैं, हमें हमें जो प्रेम करते हैं, सचमुच से हमें उसी भक्ति मार्ग में जो चलाना चाहते हैं, भक्ति जगत में बढ़ाना चाहते हैं, कहते ऐसे हमें भक्तों के सामने संग करनी चाहिए। इसलिए बोले कृष्ण पद्म पद्म सुधा रस पाने निमित्त गुरु पदे भिक्षा मांगा, गुरु लीला विनय कारी ईश्वर परिपाद ताहि दान दोनों मध्य को न। इसलिए गुरु जी के चरण में उन्होंने केवल कृष्ण रस पान करने के लिए वही चीज भिक्षा मांगी। और श्री महाप्रभु कौन है, यहाँ पर कहते हैं गुरु लीला अभिनय कारी ईश्वर पाद ताहि दान। कहते यहाँ पर कह रहे हैं उनने गुरु लीला की अभिनय कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु कौन है, कृष्णम बंदे जगत गुरु, जगत गुरु है महाप्रभु श्री जगत गुरु। इनको फिर इनको गुरु करने की जरूरत है, इनको गुरु करने की जरूरत है, ये तो स्वयं जगत गुरु है, सबको प्रेम देने वाले यही है, तभी से विग्रह है। लेकिन श्री गुरु परंपरा को दिखाने के लिए कहते श्री ईश्वर परिवाद ये गुरु लीला की अभिनय कर रहे थे हैं। इसलिए प्रभु गदाधर चरण प्रार्थना वाधवेन्द्रपुरी ईश्वरपुरी हृदय संचार तार हृदगत भावे चिल ताही महाप्रभु के दिले। इसलिए श्री माधवेन्द्रपुरी प्रहलाद ने जो प्रेम धारा को हैं, जब उन्होंने जो चीज ईश्वरपुरी पाद को दिया था, उन्होंने वही वस्तु ही श्री महाप्रभु का हृदय में प्रदान किया है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कहते आज मेरा जीवन सार्थकता हो गया है आपको दर्शन करते हुए अब। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उसको बाद में क्या किया, उन्होंने पिंडदान दिए, राम गया में गए, वहाँ पर भीम गया है, शिव गया है, षोडश गया है, वहाँ पर ब्रह्म कुंड है, हैं ब्रह्म कुंड में महाप्रभु स्नान किया, स्नान करते हुए उन्होंने फिर गया में महाप्रभु पिंडदान प्रदान की। और वहाँ वहाँ पर जो गदाधर भगवान का जो चरण चिन्ह है, गदाधर चरण चिन्ह में उन्होंने भगवान ने पूजा किया, पूजा करके वहाँ पर जितने ब्राह्मण लोग थे उनको दान दक्षिणा महाप्रभु दे करके सबको उन्होंने संतुष्ट किया। संतुष्ट करते हुए महाप्रभु ने किया कि महाप्रभु आकर के रसोई बनाया, भगवान स्वयं आकर के महाप्रभु बड़े सुंदर उन्होंने रसोई बनाया। जब रसोई बनाया ना, ठीक उसी समय में श्री ईश्वर परिवाद प्रेम में विहोल होकर के हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, जोर से बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेम में विभोल होते हुए वहां पर श्री ईश्वर प्रतिपाद आए, आते ही महाप्रभु प्रसन्न हो गए, वाह हमने प्रसाद बनाया। और इतने में श्री ईश्वर प्रतिपाद आ गए, बोले बहुत अच्छा हुआ है, हैं बहुत अच्छा हुआ है, हैं अगर किसी हमारे को रसोई बना रहे हैं, अगर कोई वैष्णव आ जाए ना, क्या समझो हमारा बनाना सार्थकता हो गया। इसलिए कहते हमारे जो भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज वो जो कालना में रहते थे हैं, कालना में रहते थे, तब उन्होंने रसोई बनाया, रसोई बना कर ठाकुर को भोग लगाया। ठीक उसी समय में प्रभुपाद का कोई शिष्य आ गए, शिष्य आ गए तो उन्होंने खुद नहीं खाए, सब कुछ उनको भोजन, बोला आपने क्या, बोले मैंने खा लिया है, उन्होंने झूठ बोल दी, मैंने भोजन कर चुका लेकिन भोजन नहीं किए थे, उन्होंने उनको पूरा पूरा खिला दिया। फिर ऐसे दूसरे दिन भिक्षा करते हुए, उस समय तो जीवन इतना था नहीं हैं, इतने भिक्षा करके लाते थे, भिक्षा करके लाते थे, भोजन बनाते थे, पहले जो पहला जो स्थिति था ना, इतने आसानी, अभी जैसे ना हम लोग जैसे मंदिर में आ गए, होटल में रह रहे हो, यहाँ पर रोज बढ़िया चकाचक भोजन है, प्रसाद है, भंडार, पहले इतना आसान नहीं था। मेरे गुरु जी कहते थे पहले लोग कष्ट में रहते थे इसलिए उनका साधन भी हुआ है, अरे अभी हम इतना कष्ट नहीं है इसलिए साधन नहीं हो रहा है। मेरे गुरु जी जिस परिवार से मेरे गुरु जी आए वो साधारण परिवार से, उस समय बुकिलाती करके आए, उस समय साधारण व्यक्ति बुकिलाती नहीं करते थे, जमींदार घर के मेरे गुरुदेव थे, उनका जो केस था ना इतने सुंदर केस था, जिस समय नाई काटने के लिए गए बोले इतने सुंदर केस तुम काट दोगे,
जैसे महाप्रभु का केस काटने के लिए हैं, जैसे नाई ने बोले इतने सुंदर केस को काटोगे तो इतने सुंदर, इसलिए कहते मैं गुरुदेव कहते जब मेरे केस को देखा ना घोड़ा केस, नाई काटने का हिम्मत नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुआ। अब जमींदार घर के बच्चे थे, मेरे गुरुदेव जमींदार घर के थे, हाँ उस समय जब घर में आए पहले इतना था नहीं, किसी तरह इस तरह भिक्षा करके लिए चावल लाते थे, जो सजना से आ गए ना सजना, उसके एक साथ में उसको रसोई बना करके और उसको देख कर खाते थे, उसका डंठल कभी गुरुदेव खाए नहीं, वो जमींदार घर के। गुरुदेव कहते थे हमको तो बदबू आती थी, खाने की इच्छा नहीं करता था, लेकिन बोलते थे देखो ये प्रसाद है, प्रसाद को अवमानना नहीं करनी चाहिए, प्रसाद को अवमानना नहीं करनी चाहिए। इसलिए पहले गौड़िया मठ में कभी कभी जो फ्लोर है ना उसको साफ करके उसको भी डालकर भोजन कर लेते थे, प्लेट नहीं होता था, केले का पत्ते इसमें खाते थे, प्लेट नहीं होता था। ऐसे कठोर जीवन में, पहले कठोर जीवन में, कठोर कठोर जीवन प्रभुपाद के शिष्य लोगों ने मेरे जो गुरुदेव मठ बनाया ना जो पूरी में मठ है, गुरुदेव कहते मैंने अपना प्यार से ढीकी होता ना ढीकी, और ढीकी से ईंट को उसमें गुड़ा किया, ईंट को गुड़ा करके ढीकी से गुरुदेव कहते थे हमने वहाँ पर मंदिर बनाया, जो फ्लोर बनाया ऐसे गुरुदेव बोलते थे ऐसे। इसलिए मजदूर को लगाने पर पैसा लगेगा, इसलिए गुरुदेव कहते कहते हम लोगों ने स्वयं ईंट को स्वयं सर पर ढो ढो करके हम लोगों ने मंदिर बनाया। इसलिए भगवान की जितना कष्ट परिश्रम होगा ना उतना ममता होता है, उतना बस में ममता होती, अगर परिश्रम नहीं करेगा ना ममता नहीं होता है, सेवा से अपना जीवन ममता होती है। अब भजन भजन में ममता ही मेन वस्तु है, जिसका ममता नहीं भक्ति नहीं होगा है, इसलिए ममता। इसलिए यहाँ पर मेरे भक्ति प्रमदपुरी गोसाई महाराज बोले तीन दिन तक तो पुकार है, जब बना करके प्रसाद पाने के लिए जा रहे उस समय में वैष्णव आ जाते, उस समय वैष्णव आ जाते, तीन दिन तक उन्होंने भूखा झूठ बोलकर तीन दिन तक उन्होंने भूखा रहे। इसलिए यहाँ पर जब महाप्रभु ने रसोई बना चुके थे, जब गुरुदेव आ गए ईश्वरपुरी बात आ गए, तब उन्होंने उनको आप प्रसाद पा हम तो भाग्य जग गया, वैष्णव आए भोजन कराएंगे, कितने सौभाग्य की बात है। तो उन्होंने बोले आप भोजन नहीं करोगे, आप भोजन नहीं कर, जो भोजन बनाया उसका आधा आधा कर दो, तुम आधा खाओ और मैं आधा खाता हूँ। महाप्रभु बोले नहीं आप खाओ, मेरे लिए चिंता मत करो हम बना देंगे। तो वहां पर कह रहे हैं तथा माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट होकर के भगवान के लिए और कौन बनाएगा, अभी तो भगवान ने स्वयं बनाए, गुरु जी का सेवा तो उन्होंने कर दिया, गुरु जी की सेवा किया, अभी महाप्रभु क्या भजन करके। यहाँ पर कह रहे माँ लक्ष्मी स्वयं अलखित रूप में उन्होंने आकर के प्रभु के लिए उन्होंने भोजन बनाए है, महाप्रभु के लिए उन्होंने भोजन बनाए। फिर महाप्रभु क्या किया बोले तबे प्रभु ईश्वर पुरी सर्व अंगे अपने श्रीहस्ते लेपिले न दिव्य गंधे। फिर महाप्रभु अपना हाथों से गुरुदेव का सारा शरीर में दिव्य गंधों को उन्होंने महाप्रभु का शरीर को उन्होंने मालिश किया है, उनको चरण की उन्होंने सेवा की है, सेवा करके। यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं बोले प्रभु आदर्श गुरु सेवा शिक्षा अपना सेवा दे भक्त सेवा बढ़ है। इसलिए महाप्रभु स्वयं गुरु सेवा कैसे करनी चाहिए है, स्वयं गुरु सेवा की आदर्श को यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। इसलिए मत भक्त पूजा व्याधिक सर्वभूतेषु मनमति, भगवान स्वयं कहते हैं मेरे से मेरे भक्त का पूजा बड़ा है। इसलिए प्रभु गुरु प्रति जे प्रीति प्रीति वर्णना करते बारे में ना, प्रभु स्वयं कुमार हट किया जन्म स्थान प्रभु सकाने गुरुदेव। इसलिए कुमार हटक स्थान है जहाँ पर श्री ईश्वरपुरी पाद का जन्म है, महापुरुष स्वयं अपना गुरु जी की जन्म स्थान में गए थे, जन्म स्थान में जाकर कितने रोए कितने रोए, बोले यहाँ पर हमारे गुरु जी ने जन्म ग्रहण किया है, स्थान कितने सौभाग्य, स्थान का कितने महिमा। महाप्रभु ने क्या किया अपना गुरु स्थान में जा करके से स्थान मृत्यु का अपने प्रभु तुले लय लेना बहरी बा से बांध दिए को झोली। महाप्रभु क्या किया मतलब गुरु प्रति कितने प्रीति होनी चाहिए शिक्षा दे रहे। महाप्रभु अपना झोली में वहां का जो मिट्टी था ना पूरा वहां का मिट्टी उठा करके अपना झोली में महाप्रभु भर करके लेकर गए, बोले क्यों यहाँ पर मेरे गुरुदेव ने यहाँ पर जन्म हुए थे और अझोर नयन से वहां पर उन्होंने रोए हाँ मेरे कितने भाग्य गुरु जी की जन्म स्थान में हमें आया है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं महाप्रभु ने ये लीला क्यों किया है, कारण क्या बोले कारण है
कहते भक्त लोगों को शिक्षा देने के लिए गुरु जी की चरण प्रति हमारी कितनी रुचि होनी चाहिए, कितना निष्ठा होनी चाहिए, ये चीज को शिक्षा देने के लिए है। इसलिए नियम क्या है, गुरु जी से पहले नहीं सुननी चाहिए, गुरु जी को सुलह करके ही सुननी चाहिए। गुरु जी को बाद में, गुरु जी आ गए स्वयं लेकिन चेला ही नहीं आया, चेला ही सो रहे, चेले सो रहे, बोले नहीं, इसको नियम बताया, गुरु जी को सुलह करके सो, गुरु जी उठने से पहले उठ करके क्या करो, उनके लिए लोटे में पानी, पहले तो दांतन होता ना सप्तम स्कंध वर्णन के, उनके लिए वहां पर रखो, रख करके गुरु जी को हैं उठने से पहले उठो, उठ करके नहा धो कर गुरु जी से आने से पहले आओ, और रोज भिक्षा करने के लिए बाहर जाओ, और इतना भिक्षा लाओ केवल अपना लिए नहीं, गुरु जी के लिए और अपना लिए, गुरु जी के लिए और अपना लिए। इसलिए ऐसे नहीं, गुरु जी हमने अपने दीक्षा मंत्र दिया, हाँ ये किया, इसलिए आपको हमें खिलाना पड़ेगा, गुरु जी हमें खिलाना पड़ेगा, आपने दीक्षा मंत्र दिया है, इसलिए कलयुग का चले है ना, इसलिए नहीं, ये से नहीं, इसलिए गुरु जी हमें ग्रहण किया ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए इतना भिक्षा करके लाओ जब गुरु जी के लिए और अपना लिए, गुरु जी पर हमें कभी ऋणी नहीं होनी चाहिए, गुरु जी से कभी सेवा हमें नहीं लेनी चाहिए, जितना दूर हो सके गुरु जी को सेवा करे, उनसे ऋणी नहीं हो है, ऋण नहीं हो। इसलिए ऐसे नहीं हम शिष्य बनकर गुरु जी का कल्याण कर दिया, हमने गुरु जी का मंगल हमने कर दिया, क्यों, हम चेले बने ना गुरु जी, ऐसे नहीं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पर भगवान ने स्वयं अपना हाथों से गुरु सेवा करके आदर्श देते हैं जीवों के लिए, कैसे गुरु जी का सेवा करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने ये सब लीलाओं को महाप्रभु ने किया। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री ईश्वरपुरी पाद की, माधवेंद्रपुरी की, निताई गौर ब्रह्मानंद। हाँ हरे कृष्ण, कुछ भक्त लोग देख रहे हैं, हाँ जो देख रहे हो आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, इसलिए कुछ विदेश में लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं जैसे हमारे यहाँ कथा होती है ना, वहाँ पर बहुत लेट हो जाता है, वो लोग भी कथा सुनना चाहते हैं, कोई कोई कहते हैं वहाँ पर कहीं ढाई घंटा कहीं तीन घंटा ऐसे ऐसे कभी आगे है, इसलिए बोल रहे थे आप कि आप और थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, मेरे से प्रश्न कर रहे थे। इसलिए अगर हम यहाँ पर 5:30 से लेकर के 6:30 तक कथा करें, 5:30 से 6:30 तक कथा करें, आप लोग जो देख रहे हैं यूट्यूब में, क्या आप लोग ऐसे समय को ठीक है ना, यही समय ठीक है, अगर यही समय ठीक है कोई बात नहीं, हम यही समय में कर लेंगे, और थोड़ा जैसे करते हैं जैसे 8:15 8:00 से पहले हम कर सकते हैं, पहना 8:00 कर सकते हैं, हो जाता है हाँ, पहना 8:00 भी हम कर सकते हैं, हम 7:30 भी हम कर सकते हैं हाँ, कि क्या बोल रहे थे कि कितने बजे आप लोगों को बोलना, आप लोगों जो देख रहे हैं कितने बजे आप लोग मैसेज करना, कितने से कितने बजे कथा हो आप लोग देख सकते हैं, हाँ हरे कृष्णा। अभी क्या है विदेश में कुछ भक्त लोग रसिया से देखते हैं, वो बोले जल्दी हो तो उनको 2.5-3 घंटा कभी कभी उनका आगे है, आगे हाँ, सब घर में सब बंद है, लगता है आप लोग सब घर में बंद है ना, चलो ठीक है कल हम देखेंगे, ठीक है कल हम देख बीच 7:30 से, अरे आप लोग जल्दी सो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद में हम जो वीडियो करते ना, ये सब नहीं होता, आगे दिन में कर सकते 4-5 बजे उसको बाद में करेंगे, कल 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 है 7:30 बजे ठीक है, 7:30 बजे कल कथा 7:30 से 8:30
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अनंग मान प्रभु ठाकुर का दर्शन नहीं, ठाकुर का दर्शन कर, दर्शन कर। हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, स्वामी महाराज की जय, सपरिकर गौर हरि की जय, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, गौर ब्रह्मानंदी हरि 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 बोल।